विश्व पर्यटन स्थल गुरु गोरखनाथ मंदिर व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के समीप स्थित बनने वाले नए थाना का सोमवार को एसएसपी दिनेश कुमार पी ने भूमि पूजन किया और आधारशिला रखी। जर्जर हो चुके पुराने थाने को तोड़कर अब नया 5 मंजिला भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसके संबंध में एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने कहा कि गोरखनाथ थाना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के करीब का थाना है और गोरखनाथ मंदिर के गेट के समीप है। एसएसपी ने बताया कि थाने का भवन काफी जर्जर अवस्था में हो गया था, इसे तोड़कर बहुमंजिले भवन का निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया है। यह भवन 5 मंजिला बनाया जाएगा जो पूरी तरीके से सुख सुविधाओं से लैस रहेगा। इस भवन में लिफ्ट भी लगाई जाएगी, उपनिरीक्षकों के लिए आवास की व्यवस्था रहेगी। जल्द ही नया भवन बनकर तैयार हो जाएगा। भूमि पूजन के दौरान गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी कमलनाथ, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास, गोरखनाथ मंदिर के कार्यालय सचिव द्वारिका तिवारी, एसपीसीटी सोनम कुमार, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ रत्नेश सिंह, क्षेत्राधिकारी कैंट राहुल भाटी, गोरखनाथ थाना प्रभारी रामाज्ञा सिंह, अजय सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा। कथया गौरी गणेश वरुण सूर्या दीनौ ग्रहादि देवानाम आवाहन स्थापन पूजन जगम जय देखिए, आज नया गोरखनाथ थाने का जो भूमि पूजन हुआ है, जो नया थाना भवन बनने को जा रहा है, पुराने भवन कंडम हो गया था। अब पीछे खड़े हुए जो फैमिली क्वार्टर्स में ही थाना अभी शिफ्ट कराया गया है, तो यहाँ के जो थाना है बहुत ही मॉडर्न तरीके से डिज़ाइन किया गया है। 5 मंजिला है और उसमें इनबिल्ट बैरिक्स और सभी आधुनिक संसाधन के साथ नया थाना बनने जा रहा है। एक गोरखपुर पुलिस के लिए एक वो एसेट साबित हुआ और उसी का आज भूमि पूजन है। नहीं, देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थाना है और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली भी इम्पोर्टेंट है और VVIP के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। तो एक मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ आज मौजूद हूँ और एक थाने का भूमि पूजन में उपस्थित होकर इस थाने का निर्माण का है तो शुरुआत हो रही है।